नमस्कार दोस्तों, आज मैंने बनाया है मोठ छोले की चाट। तो मोठ छोले जो है स्ट्रीट फूड है, और इस ये जो मोठ छोले हैं ये खड़ा मूंग होता है, सेम वैसे होता है, लेकिन इसका टेस्ट, इसका कलर दोनों चेंज होते हैं। और ये आपको देखिए ग्रोसरी की दुकान पे अगर नहीं मिलता, क्योंकि हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है ये। आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे फसई के जो प्रोडक्ट होते हैं, दाल वगैरह, वहाँ पे आपको ये पक्का मिलेगा। मैं वहीं से लेती हूँ। तो ये देखिए, इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर में होता है, और ये बहुत हेल्दी होता है। फाइबर फुल मतलब इसमें आपको मिलेगा, और बिल्कुल फैट फ्री। तो इसकी जो रेसिपी हम बनाते हैं, चाहे आप दाल की तरह बना सकते हैं, लेकिन मैंने दाल कभी नहीं इसकी बनाई है, क्योंकि मुझे ये मोठ छोले में ही अच्छी लगती है। और इसको हम आप मतलब खा लें, अगर शाम के समय आपको हल्का फुल्का खाना है, तब आप इसी तरीके का बना करके खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए मैंने उबाल करके रखा है। तो करना क्या है, इसको पहले मैंने मोठ को ओवरनाइट भिगो दिया था, मतलब मान के चलो 6-7 घंटा आपने इसे पानी में भिगोना है, और फिर खुले बर्तन में इसे बॉयल करना है। तो मैंने देखिए इतना उबाल की जैसे हल्का मैंने दबाया और एकदम वो मतलब मैश हो गया। बहुत ज़्यादा हमने इसे बॉयल नहीं करना, मतलब इसे मेल्ट नहीं करना है, ना कच्चा रखना है। तो मैंने कढ़ाई में रखा था बॉयल करने, फिर छलनी में डाल दिया, जो एक्सेस पानी सारा निकल जाएगा इसका। यहाँ पे मैंने काबुली चना, इसको भी बॉयल किया। तो काबुली चना को भी और मोठ दोनों को अलग अलग बॉयल किया मैंने, और इसमें थोड़ा नमक भी ऐड किया था। तो इसमें जो चीज़ें डलती हैं, बस ये चीज़ें हैं जो इसमें डाली जाती हैं। और यहाँ पे देखिए, जब आप वहाँ ठेले पे खाते हैं, तो ठेले वाले क्या करते हैं, नीचे एक अंगीठी जला के रखते हैं, और उसके ऊपर में परात पीतल की, और फिर ग्रीन पत्ते लगा देते हैं उस परात में चारों तरफ, और सारी रेसिपी को डिवाइड करके रखते हैं। तो मतलब कहने का है कि वो गर्म रहती है, जब आप खाते हैं तो गर्म गर्म लगते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने बॉयल किया हुआ आलू छोटे टुकड़े काटे हैं, टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर, ऑनियन, सबको फाइन चॉप कर लिया, ठीक है। और ये तीखा चटनी है, ये चटनी मैंने बनाई है, लहसुन, रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट, इनको मैंने मिक्सी में चला लिया था। तो एक पतली चटनी बनानी है इसकी, बहुत गाढ़ी चटनी नहीं डालनी है। तो इमली की चटनी भी हमारी, तो यहाँ पे इमली मैंने मेल्ट कर ली थी, और थोड़ा मीठा डाल दिया था। या खजूर की चटनी बना के रखी है, वो भी आप पतली करके उसे सर्व कर सकते हैं। अब सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और चाट मसाला, तो ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें बस हमने एक बाउल में डालते जाना है, मोट की मात्रा हमने ज़्यादा रखनी है। थोड़े उसमें चने जाते हैं, काबली चना, और फिर उसमें आलू, आलू की मात्रा उससे भी थोड़ी कम। तो इन तीनों चीज़ों को इस टाइप से मिलाया जाता है। तो वहाँ पे देखिए आप, ये जो है बहुत स्पाइसी करके बनाते हैं वो लोग, आपको जैसे भी खाना है वो बोलने से बनाते हैं। हम लोग जब खाते थे अपना स्कूल की छुट्टियाँ, छुट्टी होने के बाद बाहर हमेशा मतलब ठेले पे जाते थे और पक्का इसको खा के आते थे, और बहुत बढ़िया लगती है ये। प्लस क्या है कि आपको, हमने जैसे छोटे बच्चों को खिलाना है, तो सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी चटनियाँ डाल देते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया, खास बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इसमें आपको फैट नहीं है, पूरा फाइबर इसके अंदर आपको मिलता है, प्रोटीन, तो बहुत हेल्दी, ये फुल हेल्दी आपको रेसिपी मिलती है ये। तो यहाँ पे देखिए चटनी, जो इमली की चटनी है वो थोड़ी मैं ज़्यादा मात्रा में डाल रही हूँ, और प्लस इसमें एक लेमन भी डालते हैं वो, और नींबू, नींबू का रस भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस यूज नहीं कर रही हूँ, तो वो वहाँ पे आपको नींबू का रस भी इसमें मिलेगा। और चटनी मैंने तीखी चटनी भी इसमें डाल दिया, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टोटल मतलब जो चाट में हम चटनियाँ मिलाते हैं, वही पतली करके इसमें हम डाल सकते हैं, डालते हैं, है। और अब ये बस हमारी जो सूखे मसाले, मैंने रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और चाट मसाला सभी को डाल करके मिक्स कर लिया। वो लोग क्या करते हैं, आपको ग्रीन पत्ते के ऊपर देंगे,
पत्ते एकदम ग्रीन ताजे पत्ते होते हैं वो, और भी उसी के ऊपर में आपको देते हैं, प्लस चम्मच भी आपको देंगे वो। चम्मच आपको ग्रीन चम्मच मिलेगी, मतलब कि पत्ते से बना करके देते हैं चम्मच, और फिर उसका खाने का मजा ही अलग है। हम लोग कितना भी देखिए घर में कुछ भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन करता बाहर की बाजार की जो चीजें होती हैं उसका और अलग टेस्ट आता है, क्योंकि उसके सर्व करने का पत्तल में खाना है, दोने में खाना है, वो चीज उसमें होती है। तो ये बन गई हमारी मोठ छोले की चाट। तो पसंद आए तो मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन पसंद आए आएगी, पक्का आएगी। आप बनाइएगा जरूरी से और खाइए, बहुत हेल्दी है। ठीक है, इसे नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं आप, इवनिंग जो आप ब्रेकफास्ट ले, कुछ भी स्नैक्स ले रहे हैं आप, ये तो उसमें आप खा सकते हैं। आपने अगर खाया इवनिंग के समय तो आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, डिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।